हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में SREI इंफ्रा श्रेई इंफ्रा के ऊपर बातचीत करेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन अपनी बातचीत को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप फाइनेंस मार्केट चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। SREI इंफ्रा श्रेई इंफ्रा की अगर हम बात करें, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसमें 25 पैसे का अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दिया। 5.20 के ऊपर ओपन होने के बाद 5.35 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 4.90% का अपर सर्किट है। 5.00 का लो भी बनाया। 13,51,057 टोटल वॉल्यूम है NSE के ऊपर का, जबकि BSE के ऊपर दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पे भी 4,28,311 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। NSE के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी की 269 करोड़ रुपए। इसका 50 रुपये लो है 3.70 का, हाई है 18.35 का। SREI इंफ्रा, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस कंपनी को RBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस में लेके जाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल पा लिया है ऑलरेडी। और इसी को लेकर के जो RBI ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने जो जिसको मतलब ये पूरा काम एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोल करना है बेसिकली, तो SREI इंफ्रा के जो क्रेडिटर्स हैं बेसिकली, इन सारे लोगों से एक्चुअली में एक वोटिंग कराई जानी थी। और उनमें IBC के रूल्स को अगर हम देखें, तो रूल्स ये बोलता है कि जो क्रेडिटर्स हैं पर्टिकुलर कंपनी के, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उन सभी की जो रिक्विजिट वोटिंग है 66% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे अगर कम है तो IBC के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जो रिज़ल्ट आया है क्रेडिटर्स के वोटिंग का, ये वाकई में मतलब माइंड ब्लोइंग है। मतलब 99% जो SIFL के जो डेट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रेडिटर्स थे, उन सभी ने वोटिंग करी है फेवर में। अगर हम यहाँ वोटिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या है कि अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर फिर से RBI द्वारा अपॉइंट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोच करेंगे। रजनीश शर्मा, जो कि आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के से जुड़े हुए हैं, और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है 30 डेज के भीतर भीतर अपना अप्रूवल देगा, डिसीजन देगा कि आगे क्या करना है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे जो है बेंचमार्क 66% होना चाहिए, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी यहाँ पे लेंडर्स हैं जिन लोगों ने अप्रोच करी, जिन लोगों ने विरोध किया कि इन कंपनीज़ को IBC के थ्रू ले आने की बजाय इसको वैसे ही अगर इंसॉल्वेंट वैसे ही अगर रिकवरी कराई जाती तो शायद ज़्यादा वैल्यूएशन भी आती। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली, अब यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी तो इरोड कर दिया जाएगा। इट इज़ मच लाइकली, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है उसी के आधार पर सोचेंगे। DHFL के साथ जो हमने देखा वही हम यहाँ पर भी अज्यूम करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो हमारा दिमाग अज्यूम करेगा, डर तो रहेगा ना। और इसी की वजह से तो लोअर सर्किट इसमें कुछ दिनों से लगा, लेकिन अभी अपर सर्किट क्यों लग रहा है? अभी ये ऑपरेटर की भी गेम हो सकती है, प्लस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लोग उम्मीद करे बैठे हों कि हो सकता है RBI के द्वारा अपॉइंट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटर रजनीश शर्मा NCLT के अंदर, इस ज़रूरी नहीं है कि इसके शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ज़ीरो हमेशा किया जाए, क्यों कुछ कुछ कंपनीज़ में ज़ीरो नहीं भी हुआ है, कहीं कहीं पे पूरा हुआ है, राइट। जैसे वीडियो कौन को देखिए, अभी डिलीस्ट करा दिया गया, अभी जबकि रिजोल्यूशन उसका प्लान कंप्लीट नहीं हुआ। अभी वो जो 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 सबमिट किया था रिजोल्यूशन प्लान 20 स्टार, उसको अप्रूवल तो NCLT ने दिया है, लेकिन अब उसको अपोज करने के लिए लेंडर्स की मांग फिर से उठने लगी है, और डिलिस्टिंग पहले ही करा दिया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे श्रेई इंफ्रा को लेकर के जो है अब 30 डेज के भीतर भीतर NCLT इस क्रेडिटर्स के वोटिंग को लेकर के अपना विचार देगा, अपना ओपिनियन देगा, और उसके आगे जो कुछ होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। और बाकी गोपाल दास दूध जो हैं इस कंपनी के मेन जो ओनर, वो तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। देखिए, किसी की कंपनी अगर उसके हाथ से छिन जाएगी तो उसको अच्छा थोड़े लगेगा, वो तो चाहेगा ही नहीं ऐसा कभी, है ना।
और जो 30,000 के आसपास का जो टोटल डेट है श्रेय इंफ्रा की दोनों कंपनीज का मिला करके, उसको पे करने के लिए जो है ये आई एम सो सॉरी, गोपाल दास धूत जो इसके प्रमोटर नहीं, वो वीडियो कॉन से जुड़े हुए हैं। आई एम सो, मेरे पास बहुत सारे नाम होते हैं एक साथ, कन्फ्यूजन हो जाता है, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे श्रेय इंफ्रा के जो प्रमोटर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस कंपनी को जो कोशिश कर रहे थे, अभी तो अब तो उनके हाथ से कंपनी निकल चुकी है ना, उनके बोर्ड को सुपरसीड कर लिया आरबीआई ने। तो दोस्तों आगे जो कुछ अपडेट होगी हम उसको ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। वैसे हम तो यही उम्मीद करेंगे दोस्तों कि श्रेय इंफ्रा को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट ना हो, बहुत से इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे, बहुत से इन्वेस्टर्स का इसमें अपर लेवल्स पे पैसा लगा है, फंसे हुए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।